धड़ में जैसे सावन आई है भवानी, कुछ करके दिखाने गाँव में आई है भवानी, एक रोशनी अंधेरे में लाई है भवानी, कुछ करके दिखाने गाँव में आई है भवानी, रोशनी अंधेरे में लाई है भवानी। बस समझाने आया था आपको कि आजकल जो भी कुछ आप कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि उन सब लोगों में से एक शख्स वहां पे नहीं है? हाँ, वो आप हैं। नहीं, वो मैं नहीं। जरा खुल के बताओ बात क्या है। अभी अभी सुन के आ रहा हूँ माई बाप, इस बार के पंचायती चुनाव में आपके खिलाफ कोई खड़ा होने वाला है। नमस्कार डॉक्टर नी साहिबा। नमस्कार। आप हमें नहीं जानते ऐसा तो नहीं हो सकता, पर हम आपके दर्शन पहली बार कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छी बात है, आप मंदिर में भी आती है, भगवान से कुछ तो मांगती होंगी। पता चला है आपने हमारे गांव में दवाखाना खोल रखा है, पर हमसे पूछा तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपके दवाखाने में गरीबों का इलाज ही तो होगा, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं। पर आप और भी कुछ काम करती हैं इस गांव में, जिसकी हमें सब खबर है। देखिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि आपको निजी तौर पे अगर हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हम भी चाहते हैं कि इस गांव में तरक्की हो, इसलिए तो हम सरपंच बने हैं। पर डॉक्टर निसाइबा, आखिर आपने एक भूल कर ही दी, इसलिए हमने सोचा चलो आपको समझाया जाए। और शुक्र करो भगवान का
कि हमने आपको हवेली पर नहीं बुलाया, खुद यहाँ मिलने के लिए चले आए आपको इस मंदिर में। आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए, मुझे जाना है। आपको इस गांव में दवाखाना खोलना है, जरूर खोलिए। पर एक बात याद रहे, गांव में दवाखाना ही चलाइए, राजनीति में टांग मत अड़ाइए। क्या मतलब? सुना है आप पंचायत के चुनाव में बड़ी दिलचस्पी ले रही हो, तो इसमें क्या गलत है? गलत है डॉक्टर ने, क्या आपको किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे खिलाफ इस गांव में कोई चुनाव में खड़ा नहीं होता? जमाना बदल गया है सरपंच जी, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात से आप इतने बौखला जाएंगे। अपनी हद में रहो डॉक्टर ने, हमें बकवास सुनने की आदत नहीं है। कहीं ये ना हो कि आपको खुद अपने दवाखाने में अपना इलाज करवाना पड़े। धमकी दे रहे हैं? समझा रहा हूं मैं आपको, हमसे मत टकराओ, भूल जाओ इस चुनाव को, क्योंकि इस गांव में किसी माई के लाल की ये ताकत नहीं है कि हमारे खिलाफ चुनाव में खड़ा रहे। किस बात के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है, जरा हम भी तो सुने। हम क्या कहेंगे सरकार, हमें तो डॉक्टरनी दीदी ने कहा कि मैं इस गांव वालों के सामने कोई प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। हाँ बताइए डॉक्टरनी साहिबा, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं इस गांव में लोगों की सेवा कर रही हूँ, लेकिन दवा उपलब्ध करने से कुछ नहीं होगा, हमें एक अस्पताल खोलना पड़ेगा। इस गांव को एक अध्यापक की भी जरूरत है, जिसके लिए मैं सरकार से मांग कर रही हूँ। एक अध्यापक के आने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, शहर के आसपास जो गांव है वहां निरंतर शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां बड़े बुजुर्गों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, जहां जीवन संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की जाती है। महिलाओं के लिए हमें एक अलग से संस्था खोलनी चाहिए, जिससे वो स्वयं निर्भर हो सके। किसानों के लिए हमें कृषि विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए, ताकि उन्हें बता सके कि अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी चाहिए। अब आमदनी बढ़ेगी तो हमें चिट फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ से वो जब चाहे पैसा जमा करा दें और जब चाहे पैसा निकाल लें। मगर ये सब तभी संभव है जब जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत को खत्म करके आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ काम किया जाए। असंभव, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि छूत अछूत, जात पात, ऊंच नीच ये सब इस गांव की परंपरा है। मगर जमाना बदल चुका है सरपंच जी, इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप शायद मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। पर तुम शायद ये भूल रही हो डॉक्टर ने साहिबा, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है। यहाँ खानदानी रीत रिवाज चलते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं,
जैसे कि मैं सरपंच हूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव का सरपंच ही होगा। ये गुनी बाबा वैद है, तो इस गांव का वैद सिर्फ गुनी बाबा का बेटा होगा। और ये हरिया एक मजदूर है, तो उसकी आने वाली नस्लें भी मजदूर ही होगी। मगर इन खानदानी रीति रिवाजों से गांव की तरक्की कैसे हो सकती है? बेवक्त कोयल के कोहक देने से मौसम नहीं बदलते डॉक्टर दी साहिबा। और रही बात गांव की तरक्की की, तो वो जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सुई और दवाइयों तक ही सीमित रखो। हरिया, क्या यही बकवास सुनाने के लिए तुमने हमें यहां बुलाया था? इस गांव का वही होगा जो हम चाहते हैं, और ये बकवास सुनने से तो बेहतर होगा तुम लोग सब अपने अपने घर चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, डॉक्टर दीदी सच कह रही है। देखिए, अगर ये जो कुछ कह रही है उससे हमारे गांव का भलाई हो रहा है, तो उनकी बात मान लेने में हर्जी क्या है। हाँ ठीक ही तो है। ठीक ही तो है, भवानी दीदी जो भी कुछ कह रही हैं, वो हमारे गांव की खुशहाली के लिए तो कह रही हैं। नहीं, ये हमारा फैसला है और ये तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते इस शांति प्रिय गांव में अशांति फैले। चले जाओ यहां से, चले जाओ मैंने कहा। चलो 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 जाओ, चलो चलो चलो, नहीं नहीं, चलो चलो निकल जाइए, चलो। आप गांव वालों के साथ सरासर जुल्म कर रहे हैं सरपंच जी। ये कौन सा तरीका होता है गांव वालों पे राज करने का? आप देखना, एक दिन यही गांव वाले आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। डॉक्टरनी साहिबा, मैं नाम से सरपंच सुखदेव सिंह जरूर हूं, पर मेरे खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाने की कोशिश की तो उसके सामने दुखों का पहाड़ खड़ा कर देने वाला दुखदेव सिंह बन जाता हूं। आप पढ़ी लिखी हैं, ध्यान रखेगा ये बातें। चलो गुनी बाबा। लागू मालिक। आओ ऑटो। आज सुबह सुबह गोपाल मेरे घर आया था और उसने कहा कि आपने मुझे याद किया है। क्यों ऑटो, तुम ये भूल गए कि आज सरपंच के चुनाव के लिए पर्चा भरने का आखिरी दिन है? माफ करिएगा माई बाप, मैं वाकई भूल गया था। लेकिन सरकार, जब पिछले 20 सालों से सरपंच आप ही हैं, तो ये सरकार बार बार आपसे पर्चे क्यों भरवाती है? सरकार ने पंचवर्षीय योजना के तहत ये नियम बनाया है कि जिस आदमी को जनता चुनती है वो अपने पद पर सिर्फ 5 साल ही रह सकता है, और उस नियम का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। अब ठीक है हुजूर, सरकार ने नियम बना लिया है तो मान लेते हैं। वैसे तो आप ही सरपंच थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे। ये गुनी बाबा दिखाई नहीं दे रहे? गुनी बाबा हमें मंदिर में मिलेंगे। चलो, पर्चा भरने से पहले मंदिर में माथा टेक लिया जाए हर बार की तरह। चलिए हुजूर, आइए आओ आइए।
इधर जा, इधर 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 इधर। कहाँ चला सरपंच बनने? कौन बनाएगा तुझे सरपंच? ये डॉक्टर नहीं? ए, समझाया था ना तुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना। इनका इलाज तो तुम करती हो, पर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा? मुझे इलाज करना है इस गांव का, जो तुम जैसे लोगों की वजह से बीमार पड़ा हुआ है। ए डॉक्टर नहीं, अरे छोड़ो इसे, ये मुंह क्या लगते हो? चलो सरपंच से बात करते हैं। हटो हटो हमारे रास्ते से, हटो, हट जाओ। Let's go! 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 Let's go
बेटे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम शहर वापस चली जाओ, रहने दो इन गांव वालों को नर्क में। हाँ दीदी, आप सच में वापस चले जाइए, वरना ये लोग आपको मार डालेंगे और फिर ना तो कुछ गांव वाले कर पाएंगे और ना ही हम लोग। गांव वालों की वजह से मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए नहीं पर मैं ये गांव छोड़ के नहीं जाऊंगी। इन गांव वालों की वजह से तुम इतनी मुसीबत क्यों मोल लेती हो? क्या क्या रखा है इस गांव में तुम्हारे लिए? शीला ताई जैसी माँ, कमला जैसी बहन, हरिया जैसी बहन और चंपा जैसी भाभी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस गांव से मेरे सपने जुड़े हुए हैं। कमला, तुम हरिया को जाके बोलो कि चुनाव की तैयारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। चुनाव हम लोग जीतेंगे और ये बात निश्चित है। जी दीदी। जाओ। करेगी